पकड़े हैं। Thank you so much, Raju ji. Entire team of Bhabhi ji ghar par hai. पहले तो मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ पे खाना बड़ा अच्छा है, तो ये तो खैर मेरे लगता है मुझे देख के सब लोग मुझे ये अट्रैक्शन सबसे पहले देते हैं कि आप वहाँ आ जाओ, खाना बड़ा अच्छा है। नहीं लेकिन सच में, बट मैं आपको सच बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैंने वजन घटाने की कोशिश नहीं की। मैं गया था डॉक्टर के पास, डॉक्टर के कहने पर मैंने ट्यूबलाइट भी खाई, बल्ब भी खाया, लाइक रियली डॉक्टर सेड ईट लाइट, तो सब ट्राई किया हमने। दूसरे एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप रोज एक घंटा खेलिए, आपका वजन घट जाएगा। आप यकीन मानिए, एक साल मैंने रोज एक घंटा खेला, फिर भी वजन नहीं घटा। आप कैंडी क्रश के पता नहीं किस लेवल पे पहुंच गया हूं मैं, घट ही नहीं रहा है। बट रियली आई टेल यू, आपके लिए, हमारे लिए और जितने भी और यहाँ पर हैं जो इसी चीज से जूझ रहे हैं, एक चीज आप याद रखिए, मोटापा आपके जीवन का सच्चा साथी है। आपके लाइफ में दोस्त आएंगे चले जाएंगे, पैसा आएगा चला जाएगा, मोटापा एक बार आएगा ना, नहीं जाता भाई, नहीं जाता। पता नहीं आपने कितनी कोशिश की है, मैंने तो कर लिया ट्राई, होता नहीं है।
नहीं, ये अवार्ड हमारे लिए बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है और भाभी जी घर पर है तो लगातार पिछले कई सालों से लगातार अवार्ड मिलते रहे हैं, जिसमें ये भी एक फहरिस्त में शामिल हुआ अवार्ड है जो कि हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जब भी अवार्ड मिलते हैं एक नए कॉन्फिडेंस के साथ हम फिर से जूझते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझसे पूछ रहे हैं तो मैम दिस इज़ कोहली हूँ, मैं ये शो की प्रोड्यूसर हूँ। शो को 7 साल ख़त्म हो गए हैं, हर साल हमने बेस्ट सीरियल का अवार्ड लिया है, बेस्ट कॉमेडी सीरियल का। मेरे एक्टर्स तो आई कांट से मोर, मेरी पूरी टीम स्पॉट बॉय से लेके लाइटमैन से लेके हर एक का एक योगदान होता है एक सीरियल में। अगर स्पॉट बॉय टाइम पे चाय नहीं देगा, खाना नहीं देगा, लाइटमैन टाइम पे लाइटिंग नहीं करेगा, कैमरामैन अच्छी कैमरा वर्क नहीं करेगा, तो ये जो अवार्ड है ना ये मेरा नहीं है, ये मेरी पूरी टीम का है। मेरी जो पूरी टीम है, मेरे टेक्नीशियंस, मेरे एक्टर्स, मेरे क्रिएटिव टीम, वो मेरी छाती पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मेडल है। कोरोना के टाइम पे मेरे एक्टर्स और मेरी पूरी टीम सेट पे एक बबल में 1 साल गुजारा सकते हैं, इतना प्रिकॉशन में सबको हंसाना जबकि खुद अंदर से डरे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। WHO ने बोला था कि लोगों को घर पे रहना चाहिए, तो उनका बहुत बड़ा योगदान और हमारा है कि हमने लोगों को घर पे हंसाते हंसाते रखा। ओके, सो दिस इज सुपर वुमन अवार्ड्स, बहुत ही प्यारे अवार्ड्स हैं। हम लास्ट ईयर भी आए थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप सब लोग भी थे यहाँ पर। एंड किरण गोलानी जी का स्पेशल थैंक्स मैं यहाँ कहना चाहूँगी, वो हमेशा हमें दिल में रखती हैं, दिमाग में नहीं, और हमेशा हमें इन्वाइट करती हैं। और थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर विनायका मैम, जिन्होंने इतना टाइम निकाला, अपने बिजी स्केड्यूल से यहाँ पर आई हैं, और जितने भी आप ऑनरेबल यहाँ पर अवार्डीज़ को देख रहे हैं, ये सब फैमिली हैं हमारी। एंड वी आर रियली थैंकफुल टू किरण जी फॉर ब्लेसिंग अस, फॉर गिविंग अस दिस ऑनर अगेन एंड अगेन। मधु जी हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लॉयर है, एडवोकेट। हमारे को कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, एक्टर्स, हमारे तो छोड़ो मूवी के बड़े बड़े एक्टर्स, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहती, तो उनके सबके केसेस मधु जी हैंडल करती है। और मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ, मधु जी अगर बोले ना तेरा माले से कूद जाओ, मैं फटक से कूद जाऊँगी, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे मधु जी में। और मुझे ऐसा लगा मधु जी को मैं फर्स्ट टाइम मिलूँ कि ये शायद कोई नई कास्टिंग है, कोई नया एक्टर आ गया है। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट इतने प्रिटी चेहरों के बीच में खड़े रह के आई वॉज फीलिंग अ लिटल आउट ऑफ प्लेस बिकॉज आई एम ड्रेस्ड लाइक अ लॉयर, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई मस्ट से दैट आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। एंड इनका लीगल वर्क ऐसा है ना कि विनायकर, आई नो हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, शी इज़ समबडी जिसके साथ में लीगल बैटल हो ही नहीं सकता है बिकॉज शी इज़ नॉट अ लिटिजियस पर्सन। And the entire team is amazing. The show deserves what it is, and I'm very happy to be a part of it. And thank you for the lovely honor which has been given by this award. And special congrats to Vidisha, क्योंकि उनका पहला award है भाभी जी show में के साथ, पूरी team के साथ आकर वो यहाँ पर एक panel पर हैं। हमारी खूबसूरत Vidisha नई entry है ये show. Yes, so thank you Vidisha for coming over. Thank you so much. इतना अच्छा, इतना बड़ा show है, भाभी जी घर पर है, और जितने भी अवार्ड मिलते हैं हर अवार्ड के साथ आपको लगता है कि अगर आपको रिकग्निशन मिल रहा है तो आपका आपका और ज़्यादा आपके अंदर ये इच्छा जागती है कि आप और अच्छा काम करो और बहुत ही मन लगा के काम करो। तो थैंक यू सो मच सुपर वुमेन अचीवर्स अवार्ड, एंड थैंक यू सो मच विनायकर मैम सबसे पहले तो मुझे एज एन अनिता कास्ट करने के लिए, बिकॉज इतना आइकॉनिक रोल है और इसमें मुझे अगर इसमें डाला गया है और तो बहुत कुछ मेरे ऊपर बिलीव किया गया होगा, तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं भगवान का और ऑफकोर्स मेरे प्रोड्यूसर, एंड थैंक यू सो मच सुपर वुमन अचीवर्स अवार्ड फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड, एंड थैंक यू। एंड वी हैव डॉक्टर खुशनुमा, सबसे खुशनुमा चेहरा आपको जब दिख जाए तो आप फोकस उन पर कर दीजिए, पैन इन जूम इन, बिकॉज ये लीडिंग होम्योपैथ हैं और इनकी वजह से आज हम सब लोग हेल्दी हैं। एंड इफ़ यू आर हेल्दी यू आर वेल्दी, इफ़ यू आर हेल्दी यू आर स्मार्ट, यू आर वर्किंग, यू आर एक्टिव, सो थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड, थैंक यू। एंड लेट अस इंट्रोड्यूस रितु मैम एंड द्योरा सर, जितने भी आप टीवी सीरियल्स में एक आउटफिट्स देखते हैं जो ये सुंदर सुंदर अनीता भाभी पहनती हैं, मैं भी मेरे शो में भाभी जी में रूसा के किरदार में जो पहनती हूँ, और अनुपमा से लेकर बड़े बड़े शोज में इनके आउटफिट्स जाते हैं, सो ये
हमें बनाते हैं बेसिकली, कैरेक्टर्स को ये रूप देते हैं। मेरा आउटफिट मेरा खुद का है, आज वाला हमारा भी खुद का है, बट हम ऑनर रीनी का पहनते हैं। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। वी आर ऑनर्ड। सबसे पहले तो बनाएको मैम का थैंक यू एंड सुपर वुमन अवार्ड का थैंक यू, हमें इस प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज किया उसके लिए। एवरी ईयर वन और अदर शो वी आर रिकॉग्नाइज समवेयर, और थैंक यू सो मच। और मैम के साथ तो हम लोग इनके सारे शो में परफ्यूम राइट फ्रॉम द बिगनिंग, पीछे बार शो कम्स मैम सीधा हमें टास्क दे देते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का। देवराजी बेस्ट है, और देवराजी मेरी फैमिली भी है, मेरे भी साथ जैसे फैमिली, वी आर लाइक अ फैमिली, पूरी फैमिली है यहां, एंड वी आर फैमिली, इवन रोहिता इज लाइक माय ब्रदर एंड ही इज लाइक माय फैमिली, या ऑल ऑफ देम आर लवली, माय माय होल टीम इज द बेस्ट। मैम टीवी प्रोड्यूसर के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कॉमेडी में भी बहुत डार्क है। मेरे जो हस्बैंड है जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, उनकी क्रिएटिव टीम तो लाजवाब है, शशांक जी, मनोज जी, रघु जी, तो वो सोचते हैं कि मैं लिमिटेड वर्क ही करूं। हम एक टाइम पे तीन चीज़ से ज़्यादा करते ही नहीं कभी, हमने आज तक कभी OTT नहीं किया है, लेकिन अभी हम काफ़ी OTT करने वाले हैं इन द पाइपलाइन। मैं ये बात की एश्योरेंस दे सकता हूं आपको, अगर ये OTT पे आएंगे तो आप समझ लो जो आप जो भी आप डार्क शोज देख रहे हो सडनली रिलीफ मिलेगा आपको इनके शो से। वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट, वी आर वेटिंग फॉर दैट। Thank you, Jay. Thank you. Yeah. Thank you so much for your entire media. My ex family and my family also. आप होने का दिल्ली में हैं। Yeah. Thank you. Thank you. शुक्रिया। मैं अपने बच्चे के साथ में ले रहा हूँ। हाँ। एक फोटो लेने। देवर जी आप अंदर आइए ना। रजित को दे दो। सर उनको फोन दे दो। क्लिक करेंगे। अभी तो हम भाभी जी घर पर रखेंगे, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, हम चाह कर भी कुछ और नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें। अभी 8वें साल में प्रवेश कर गए हैं, अब आगे पता नहीं शायद 10वां 12वां 14वां क्या होगा। समय नहीं है, समय हमारे 25-30 दिन तो यही चले जाते हैं, जब समय नहीं है तो कैसे करेंगे। ऐसे हीरा साहब अभी हाल ही में शेड्यूल में बोला था, जो हत्या हुई कितना कि दुख की बात है, कलाकार का तो हमेशा के बंद कर दिया गया, सिद्धू साहब की बात है, हम सिंगर है पंजाब के। हाँ नहीं, ये बहुत दुखद बात है, वाकई हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग है कि अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो आर्टिस्टों का मनोबल गिरता है बेसिकली, ये बेहद दुखद है और ये सब नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसका ज़बरदस्त एक्शन लेना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होता है, जो दिल्ली का भारतीय बोलने की, वो कितना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप ट्वीट करते हैं या कोई पोस्ट करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। हमारे बीच के बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना फ़ायदा उठा लेते हैं कि उनको लगता है कि कोई बाउंड्री है ही नहीं, तो ये भी गलत है ना। नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहूँगी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र है हमारा, और ऑफ कोर्स सबको बोलना चाहिए, बोलने का हक है सबको, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी ज़बान पे भी हर कहीं हर किसी को एक लगाम लगाना चाहिए कि भी किसी की इमोशंस, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, तो उस जगह सबको अपने आप में एक चेक रखना चाहिए। और ऑफ कोर्स लेकिन जो हो रहा है दुनिया में, आज के देश में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं हर चीज़ के एक लूप होल्स निकल जाते हैं, आप कितना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लूप होल्स है, सो लोग फ़ायदा उठाते हैं और उसका उनको भुगतना भी पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो सुपर वुमन अवार्ड है, तो मैंने पहले भी कहा है कि जो हम कहते हैं कि वुमेंस डे है, तो वुमेंस डे शुड बी एवरी डे, ऐसा कोई खास दिन नहीं होना चाहिए, कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। सो आई फील दैट टुडे थैंक्स टू किरण जी एंड टीम, आई थिंक वी आर सेलिब्रेटिंग ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन, you know, be it cultural, you know, field, be it social, economic, political, I think all those women who really, really strive, who really work so hard and who set obviously the bar very high for us, all the men. So I think this is to all the women out there, especially Kiranji being, I think, a superwoman herself.
सो थैंक यू सो मच किरण जी फॉर हैविंग मी हियर. यूजुअली हम अवार्ड्स में जाते हैं जहाँ हमें अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन ये अवार्ड बहुत स्पेशल है बिकॉज लाइक आई सेड दिस इज फ्रॉम अ वुमन, अ सुपर वुमन टू मी. सो आई थिंक दिस मेक्स इट ऑल्सो मोर स्पेशल. एंड आई फील कितने लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया. मेरे सामने आई थिंक चारों है यहाँ पर अनदर सुपर वुमन इतने सालों से जानता हूँ. कांग्रेचुलेशंस टू शरद, टाइम निकाल कर आए हैं, ट्रैवल कर रहे थे अब्रॉड थे स्पेशली आए हैं. किरण जी थैंक यू सो मच. थैंक यू. बट मैंने अभी कहा कि दिस अवार्ड इज डेडिकेटेड टू ऑल द सुपर वुमन आउट देयर, चारों आप किरण जी एंड ऑल द वुमन आउट देयर. आई थिंक यू गाइस हैव रियली रियली इंस्पायर्ड द मैन. थैंक यू सो मच. एंड आई एक अनदर सुपर वुमन जो आज हमारे बीच में है. देखिए मैंने एक सुपर वुमन की बात की और वहाँ पे लाइन लग गई. आई थिंक ये भी जो है बहुत पुरानी है और अनदर सुपर वुमन. आई थिंक शी इज सेटिंग द बार हाई और आई थिंक फॉर अस स्पेशली फॉर द मैन. आई थिंक दे जस्ट कीप इंस्पायरिंग अस ऑल द टाइम. सो थैंक यू सो मच. दिस इज ग्रेट. मेरी बस हंसे जा रही है आपको पता है. आप कुछ कहेंगे? I think it's a great feat for Kiran to do this award. Yeah. It's an Atrangi feeling, let me tell you at the very outset. Inka channel Atrangi, aap dekhte rahiye agar aapko nahi pata hai to. Ab aap bolye. I think mereko Kiran ko daad deni padegi ki wo har saal itna acha award ceremony rakhti hai and accomplished logo ko award karti hai. It's always a great gathering to meet my old friends and I always wish Kiran the best because she just doesn't have one. She has like so many to fall back on, you know, in terms of awards, and I wish her hundreds and thousands many more. Thank you so much for honoring us. Thank you so much for having me. Thank you. Sir, one more question. Abhi, परसों के दोस्त जो सितून साला के अंतिम विवेक की बात है. हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं सुपर वुमन से, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. डेफिनेटली जाहिर सी बात है, बहुत दुख की बात है. तो इसमें क्या रिएक्शन होगा? शॉकिंग है और दुख हुआ है. हाँ जी बिल्कुल. आई थिंक वो किसी माँ के बेटे थे. आई थिंक वो एक एक आई थिंक वो सबसे ज़रूरी है. एक माँ ने अपने बेटे को, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं. सो आई थिंक बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे डेफिनेटली. बट दिस इज टू ऑल दोस अमेजिंग वुमन आउट देयर. पता नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बट थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है. और कुछ नहीं, दिस इज माई फर्स्ट ओवर. थैंक यू, दिस इज माई ओन डिज़ाइन. बिकॉज आई एम ऑल्सो डिज़ाइनर यू नो एंड मेकअप आर्टिस्ट दोनों. जी किरण जी मैं उनको एक साल से जानती हूँ एंड शी इज़ अ फैब. बहुत अच्छा काम है उनका. एंड पूजा जी उनको भी जानती हूँ मैं अभी फ़िलहाल एक महीने से एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. उन्होंने मुझे बताया था देन आई अप्रोच. मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेरा यही है सिखाना एंड इवेंट्स में ब्राइडल्स ये सब मैं करती हूँ. अभी फिलहाल तो नहीं है बट आई ट्राई. हो जाएगा. अच्छा सीरियसली? ठीक है देखती हूँ मैं. थैंक यू.
का जो प्रोग्राम है जो किरण गोलानी जी हमेशा हर साल करते हैं, बहुत ही बढ़िया करते हैं। और सुपर वुमन की जो भी मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रही है, एक नारी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सारी नारियों को मैं सलाम करती हूँ। और ये अच्छा एक अवार्ड फंक्शन भी है जहाँ पे जिसने अच्छा काम किया है उनको यहाँ पे गौरवान्वित किया जाता है। मैं अभिनंदन करती हूँ किरण गोलानी जी का कि उन्होंने अच्छा एक यहाँ पे काम किया है, और ऐसा ही काम करते रहिए, मैं शुभकामनाएँ देती हूँ। मैम ने अपना टाइम निकाल के मुझे इस वोमेन के लिए टाइम दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैम को। उनका शेड्यूल बहुत टाइट होता है, लेकिन फिर भी जब महिला के नाम आता है तो मैम पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं हेल्प करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। और इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मैम को कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के आप इस इवेंट में आए। थैंक यू मैम। Well, I think I just want to thank ma'am for inviting me, such a wonderful event, and she's coming up with this cause. It's seriously bahut achhi baat hai yaar, empowering a woman, having a woman concept. I think bahut badi baat hai yaar, it's a cause everybody should actually go for it, and everybody should actually fight for them. So I believe that, you know, it's always to educate, empower a woman. It's a completely a cause har ek ko karna chahiye, and she's coming up with this idea, with this concept, and me being the part of it, it's a privilege. Ma'am, what about the award and what about Super Woman concept? Kya concept is basically networking and working? Yeah, Super Woman is basically networking and also uplift women empowerment in different fields of life. People sitting, ladies sitting at home, though they are talented, but they don't know what their talent is all about. To enhance and bring out the talent among them is all Super Woman all about. So I do that. I try and take out the talent of ladies जिनको पता नहीं चलता है कि उनके अंदर क्या हुनर है, वो मैं ड्रिल आउट करती हूँ, एंड देन आई गिव देम अ प्लेटफॉर्म बाय नेटवर्किंग एंड गिविंग देम बिजनेस सो दैट दे मेक देयर सेल्फ मनी। When did you start it and this is my fifth year of support. How many people are associated? How many? Around 500 plus ladies are associated. So what do you professional fund क्या करते हैं, क्या प्रोजेक्ट करते हैं? फिलहाल तो मेरा एक शो चालू है सिद्धि दिन बारे में। I'm playing the main lead called Special Agent Faizuddin Siddiqui. That's on Sony Sub, and the kind of response that we've actually got from the show, the emotions are completely palpable, and the show is actually on a verge to go off air. So yeah, that's what we are just celebrating it, and a little sad the show is going off air as well, but the show which has given us everything, it's an army show, and doing an army show for an actor is always a dream. Whether Shah Rukh Khan sir playing Fauji, Hrithik Roshan playing Lakshya, so I really feel like, you know, it's a privilege. Like my Silver Jubilee show, I'm playing an army show. It's an amazing feeling altogether. And I would give the entire credits to Sudhir sir and Seema ma'am from the Sunshine production for giving me this opportunity and letting me play Faizi. And Faizi aaj logon ke gharon gharon ka dilo dilo mein jagah bana chuka hai. It's really great. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. गाइड करने के लिए आते हैं। और सुपर व्यूमन अचीवर्स अवार्ड लास्ट टाइम भी ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार भी बहुत डिसेंट तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। हर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे अचीवर्स अवार्ड होते हैं, लेकिन एक यूनिक कॉन्सेप्ट, एक कॉजफुल इवेंट बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा परफॉर्म करते हैं और ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जहाँ तक है कि वुमेन को एम्पावरमेंट देने के लिए, उनको इम्पावर करने के लिए जो ये इवेंट है, जो प्लान है, ये बहुत ही अच्छा है। इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और जैसा कि होता है इवेंट में होती रहती है चीज़ें छोटी छोटी इधर उधर, लेकिन इस बार मैनेज बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया। तो थैंक यू सो मच इन्वाइट करने के लिए, और इसी तरह से आगे भी आप इस तरह से अवार्ड ऑर्गेनाइज करते रहें, मेरी बेस्ट विशेस। कैटेगरी एज इन हम लोग ने सेग्रीगेट किया हुआ है, जो वुमेन अब तक लेवल तक नहीं है हम उनको भी अवार्ड दे रहे हैं ताकि वो उनको रिकग्निशन मिले, उनको विजिबिलिटी मिले, ताकि 10 लोग उनको स्टेज पे देखे और बोले अच्छा ये भी एंटरप्रेनर है। तो आगे नेक्स्ट अवार्ड में लोग उनको बुला के अवार्ड देते हैं,
तो मैं ऐसे औरतों को एंकरेज करती हूँ। जी हमारा एक डिजिटल रेडियो जिसका नाम रेडियो होता है और हमारे ब्रांचेस है इंडिया में, पैन इंडिया, दिल्ली, मुंबई, पटना, इंदौर एंड पुणे। तो अभी हम एक रियलिटी शो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है फोक स्टूडियो। इट्स बेस्ड ऑन इंडियन फोक म्यूजिक जिसमें हम इंडियन फोक आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं और हमारे कुछ शोज़ भी चल रहे हैं लाइक प्रैंक शोज़ हमारे रेडियो अड्डा पे, और साथ साथ हम एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, वॉइस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग आर्टिस्ट होते हैं, एंकर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और वो लोग क्या होता है कि बेहतर की तलाश में भटकते रहते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो रेडियो अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक इंसान को प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके पास फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है उसके लिए स्कॉलरशिप है, जो लोग आना चाहते हैं स्क्रीन में लेकिन उनके पास रास्ते नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए हम लोग उनको प्रमोट करते हैं और अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है वो आते हमारे प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर सकते हैं। वेल आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। किरण गोलानी हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव टू फेलिसिटेट वुमेन फ्रॉम ऑल और वेरियस फील्ड्स और मैं भी उनमें से हूँ और मैं नहीं भूल सकती बिकॉज किरण इज़ ऑलवेज देयर स्टैंडिंग बाय वुमेन टू सपोर्ट देम एंड आई एम ऑलवेज देयर विद हर जस्ट फॉल अवे यू नो बिकॉज आई लव द वे शी डज हर वर्क डेडिकेटेडली एंड ऑलवेज देयर फॉर एवरी वन। सो आई वॉन्ट विश हर ऑल द वेरी बेस्ट for organizing this beautiful event and I wish her all the very success in whatever things that she do and I'm always with her. Thanks. Yeah, of course, there are lots of things to be said about her. She's not only a celebrity but very down to earth personality and always available even at the 2 o'clock in the night if I call her up and say Sajni meko ye kar de yaar to utke baith jati hai wo mere kaam karne ke liye. So this is what is all about, totally a beautiful soul, I can never say. Thank you so much for taking out your valuable time and coming here, Sajni. Anytime, anytime, Kiran. Yeah. Thank you. हेलो एवरी वन, सो आई एम एंकर रोहन गोलानी। तो मैंने सुपर वुमन के स्टार्टिंग के दो तीन जो कंटिन्यूस ईयर्स थे वो एंकर किया था एंड मैं आपको बता दूँ दैट आई वांट टू विश किरण गोलानी वेरी 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 बिग बिग बेस्ट ऑफ लक, बिग थम्स अप बिकॉज वो जो काम कर रही है नॉट ओनली फॉर लेडीज़ फॉर एवरी वन जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करते हैं अपने हार्डवर्क से, उनको रिकगनाइज करते हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही कम अवेलेबल है फॉर ऑल द आर्टिस्ट एंड ऑल काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। सो आई एम रियली हैप्पी, आई वांट टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड जिस तरीके का वो काम कर रही है वैसा ही करते रहे, भगवान उनका हमेशा भला करें। थैंक यू सो मच। There's so much of noise. Hi, this is Anchor Riya Thatte and this is my honor. So I am one of the awardees for this evening and I'm really thankful for Kiran Gulani ji for actually recognizing my talent and you know letting me win an award for my talents. And as we can see, Superwoman Achiever Award, it's the third year and she's doing such a fabulous job by empowering so many women like her. And yeah, I'm just wishing her all the best and she's doing an amazing work and I'm just wishing her to do her best every time. Thank you very much. मैम के लिए क्या कहूँ, इनके लिए तारीफ ही कम पड़ जाएगी। जिस शिद्दत से जिस तरीके से ये काम करते हैं और जितने अलर्ट होके ये काम करते हैं और उसका कहना ही क्या। वैसे मैं आज शूटिंग कर रहा था, रात तक पूरी रात शूटिंग की है, मैं आई वॉज इन गुजरात। तो लेकिन ये था कि इनके प्रोग्राम में मुझे आना ही था हर हाल में, तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आया हूँ और आ गया हूँ। हालाँकि तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जैसे कि वो किरदार निभाते हैं भगवान का टीवी सीरियल में, उनसे भी बढ़कर है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच मनोज जी फॉर टेकिंग योर वैल्यूएबल टाइम कमिंग फॉर दिस इवेंट। नो माय प्लेजर, एक्चुअली मुझे बहुत खुशी आकर और जो माहौल मिल रहा है, जो एम्बियंस है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।